वेलकम टू द सिजलर्स। थंबनेल को क्लिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे सूजी से बनने वाला बिल्कुल अलग नाश्ता। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनता है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम मिक्सिंग जार में डालेंगे आधा कप सूजी, हल्का गर्म दूध एक कप, दो टीस्पून ईस्ट, दो टेबलस्पून हम डालेंगे चीनी, दो टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। अगर आपके पास ईस्ट ना हो तो आप एक टीस्पून बेकिंग सोडा और दो टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और एक बोल में निकाल लेंगे। फिर हम इसे ढक कर रखेंगे 10 मिनट के लिए ताकि सूजी फूल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए सूजी फूल चुकी है। अब हम छन्नी में डालेंगे 2 कप मैदा। यहाँ पर आप आटा भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम बोल में छान लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हम डो तैयार कर लेंगे। डो के बनते वक्त आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर पानी बिल्कुल भी यूज ना करें। अब हम डो में तेल रब कर देंगे। अच्छे से तेल को लगा लेंगे, फिर इसे हम ढक कर रख देंगे किसी गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद हम डो को चेक कर लेंगे। डो फूल कर और भी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। इसे रोल करेंगे और हम लोइया निकाल लेंगे इसमें से। अब हम लोई में सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेलेंगे। इसे आप ब्रेड जैसा भी खा सकते हैं या आप इसके साथ कोई सब्जी भी खाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आटा को झाड़ लेंगे और तवे पर इसे रखेंगे सिकने के लिए। यहाँ पे हमें तवे पे तेल नहीं डालना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से इसे बनाना होगा हमें। इसे पलटते रहेंगे। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ चुका है। जब ये पूरी तरह से सिक जाए, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए ये अंदर तक कितने अच्छे तरीके से पक चुकी है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही रेसिपीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए रेसिपी या एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द सिजलर्स। ईट गुड टू ट्रैवल अलॉट। शुक्रिया।